नहीं दो मिनट तो उत्तर बंगाल एक्सप्रेस बोट बोट एकदम उल्टे ट्रेन दमनिर एखे मैनागुड़ी दमनि ओवरब्रिज एखे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले के मोइनागुड़ी इलाके में एक भयावह रेल हादसा हो गया है, जिसमें ट्रेन के चार बोगी पटरी से उतर गई है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान रेलवे की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जिस तरह के वीडियोज़ फुटेजेस सामने आ रहे हैं, इस तरह से शंका जताई जा रही है कि बहुत बड़ी ये ट्रेन हादसा जो है बहुत बड़ा है और इसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इस हादसे में ट्रेन की चार बोगी पटरी से उतर गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही जंगी पैमाने पर चल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, जो अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं, वो अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना। आपको बता दें कि ये घटना शाम के 5 बजे घटी है, जिसमें इतना बड़ा सड़क रेल हादसा हो गया है, जिसमें चार बोगी ट्रेन की पटरी से उतर गई है। आपको बता दें कि ये घटना अब से कुछ देर पहले शाम 5 बजे की है और ये गाड़ी जो ट्रेन हादसा का शिकार हुई है, उसका नाम है पटना गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, जिसका अगर नंबर बताएं तो अब 15366 ये गाड़ी का नंबर है और उसका नाम है पटना गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, जो उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी के मोइनागुड़ी में हादसे का शिकार हो गया और जिसमें चार बोगी पटरी से उतर गई और इसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में अंधेरा होने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितने लोगों की जाने गई हैं, इस हादसे में कितने लोगों की जान गई। अभी तक रेलवे के तरफ से रेलवे आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं, कितने लोगों की जाने गई हैं। रेलवे सूत्र जो हमारे हैं वो अभी पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगे हुए हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, बाद में आधिकारिक तौर पर इस बयान को साझा किया जाएगा, इस बयान को बताया जाएगा कि कितने लोगों के और कितना जान माल का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अभी भी ट्रेन के पलटे हुए बोगियों में कई लोग फंसे हुए हैं, बोगी के अंदर से उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सामने आ रही है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन के अधिकारी भी तैनात हैं और लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्य की ममता सरकार भी घटना को लेकर सतर्क हो गई है और राहत कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटना पर नज़र बनाई हुई हैं। गौर हो कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में फैल रहे कोरोना को लेकर वर्चुअल मीटिंग में शामिल थीं। इस दौरान उन्हें हादसे की जानकारी मिली, जिसके बाद ममता बनर्जी भी हादसे पर नज़र बनाई हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस घटना को लेकर बातचीत की है। बताते चले कि अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी से 2 टीमें राहत बचाव कार्य के लिए भेजी गई हैं। गौर हो कि पटना गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस शाम 4:53 पर न्यू दोमोहानी स्टेशन से चली थी, लेकिन न्यू मोइनागुड़ी स्टेशन से पहले हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद रेलवे और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात है। हमारे पर एक गंदा हो चुका है, बहु लोग मुश्किल इस सामने दिखे हमरा उसको लंबे आप
নিউ দমনি তো উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। हमारे पर एक अंदर हो चलो रे बहुत लोग मुश्किल इस सामने दिखे हमरा उसको নিউ দমনি তো উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। हमारे पर एक अंदर हो चलो रे बहुत लोग मुश्किल इस सामने दिखे हमारा उसको